प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नई सरकार के गठन होने के बाद अपराध बेलगाम हुए जा रहे हैं। जंगल राज फिर से शुरू हो चुका है, कभी लूटपाट तो कभी हत्या, ऐसे मामले बेगूसराय में प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। यही मामला बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के बैंक में अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। बेगूसराय में नहीं रुक रहा है बेखौफ अपराधियों का कहर। बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड में अपराधियों ने एक बैंक को बनाया अपना निशाना। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है। बुधवार को बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक की लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि वीरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर सरोजा में स्थित IDBI बैंक के सरोजा शाखा में बुधवार की दोपहर जब ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, तभी 5 नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया। हथियारों का भय दिखाकर सभी कर्मियों और ग्राहकों को अपने कब्जे में लेकर बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने 2-3 राउंड फायरिंग भी की और विरोध करने पर कुछ कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। काउंटर पे मौजूद करीब 6.5 लाख रुपए की लूट साथी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। लूटी हुई रकम के संबंध में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि 5 लाख से अधिक की लूट की गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लूट की सूचना मिलते ही SP अवकाश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूछताछ के बाद लूट कांड के उद्भेदन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सदर DSP राजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। SP अवकाश कुमार ने बताया कि 5 अपराधियों ने बैंक पर धावा बोल दिया, जिसमें से 2 बाहर इंतजार कर रहे थे और 3 अपराधी अंदर घुसे और करीब 6.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। छापेमारी की जा रही है, घटना का जल्द ही उद्भेदन किया जाएगा। सर, बैंक जो घटना हुआ किस क्रम में? अभी कुछ देर पहले यहाँ सूचना मिली थी, 3-4 लोग अंदर घुस गए और लूटपाट किए हैं। जो अमाउंट अभी बताया गया है 6,60,000 53,000 इस तरह से कुछ अमाउंट है। और फुटेज देखे हम लोग तो अभी तक लग रहा है कि 5 टोटल अपराधी हैं इसमें शामिल, 2 बाहर हैं, 3 बैंक के। हम लोग उस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, वो जो पकड़ाए हैं वो कौन जिले में है? कौन आपके गाड़ी में देख सकते? वो हम लोग आ रहे थे फॉलो करते हुए, तो गाड़ी देख के भागने लगे थे, उनको पूछताछ के लिए रखा हुआ। ओके सर, धन्यवाद। वहाँ पे कुछ विड्रॉल फॉर्म ऐसा देखने गए हैं, उसी समय तीसरा आदमी आया, तो वही चौकीदार वहाँ पर था, उसको बोला गया अगर तीसरा आदमी, क्योंकि हम लोग 2-3 ही आदमी को अंदर प्रवेश दे रहे हैं कोरोना वायरस लेकर, तो तीसरा आदमी क्यों जितना बोलना है कि यहाँ से पिस्टल निकाल लिया वहाँ से, और एक आदमी और इन किया था। 4 जी, 4 आदमी अंदर में किए फायरिंग, पहले वहाँ पर आते के साथ वहाँ पर जैसे उनकी बॉलर निकाला वहाँ पर फायरिंग किया गया है, फिर किसी ऊपर वहाँ कोना में एक गोली मारा वहाँ गया, और पीछे से एक आदमी आया है वो यहाँ पर फायरिंग। 2-3 लोग आए ना जी, है मेरे जी, हाँ पुलिस ले रही है अपने यहाँ पे उठा के कस्टडी में। लगभग सर कितने की लूट हुई है? 6,65,570। समय क्या होगा सर? 2:50 के आसपास लोग आए थे, लगभग 3-4 मिनट अंदर है हम लोग। सर लूट के बाद वो लोग किधर भागे, कुछ स्पष्ट जानकारी? पर्रा गांव की तरफ, फुलकारी की तरफ भागे वो लोग। कुछ कुछ बैंक से मतलब हो सकते हैं कि बाएं भागे वो लोग, बाएं किधर गए किस गांव में गए ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं कहा सकता है। कितने बाइक आए हुए थे? 2 बाइक से भागते हुए दिखे लोग। 2 बाइक से भागते हुए दिखे। आपका नाम सर? ज्ञान प्रकाश, शाखा प्रबंधक IDBI बैंक सरोजा।